जहां एक तरफ सरकार लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लापरवाही बरत के अपनी जिंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मामला कनिका कपूर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड सिंगर जो कि हाल ही में लंदन से लौट कर सीधे लखनऊ आई और यहाँ वो अपने मामा के घर पर रुकी। इसी के साथ ही उन्होंने इस बीच तीन पार्टियों में भी वो शामिल हुई हैं। जी हाँ, उन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर सबको चकमा देकर गुप्त रास्ते से बाहर निकली। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि कनिका कपूर कानपुर के विष्णुपुर स्थित कल्पना अपार्टमेंट में गई थी, वहां रहने वाले एक शख्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ ही सरकार हाई अलर्ट पर आ चुकी है और कई लोगों की जाँच की जा रही है जिनके साथ भी इस दौरान कनिका संपर्क में आई। कनिका कपूर में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में खलबली सी मच गई है। जब वो लंदन से 15 मार्च को लखनऊ आई थी, उसके बाद उन्होंने कानपुर में भी अपने मामा विपुल टंडन किया, करीबन दो दिन रहीं। उसके बाद से जिन जिन लोगों से भी वो मिली थी, अब जिला प्रशासन हो या लखनऊ प्रशासन हो, पूरी तरह से सब में हलचल सी मच गई है। मशहूर सिंगर जिन्होंने बेबी डॉल जैसे बड़े गाने गाए थे, कनिका कपूर, अब उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जो लोग उनसे उस दरमियान मिले थे, उनके भी चेकअप हो रहे हैं, उनको भी एक जगह रखा गया है, और उन जिन लोगों से वो मिली थी, अपने मामा से या जो भी उनके फैमिली में लोग थे, और जो भी लोग उनसे बराबर मिल रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे, उनकी भी जाँच अब शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो एयरपोर्ट पे आई, तो एयरपोर्ट में जो लोग भी कोरोना को लेकर चेकअप कर रहे थे, क्यों उनकी वहां पर जांच नहीं की गई? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। कनिका कपूर में लक्षण पाने जाने के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर कानपुर तक खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश में पहले ही कोरोना को लेकर महामारी उत्तर प्रदेश के सीएम ने घोषित कर दी थी, लेकिन अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जहां पर पूरा प्रशासन जो कोरोना को लेकर चिंतित है, वो कहीं ना कहीं उनमें खलबली सी मच गई है। देखना यह होगा कि जो लोग भी उनसे उस दरमियान मिले थे, उनकी लगातार चेकिंग हो रही है, उनके चेकअप हो रहे हैं, और उसमें जो डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि उनसे जो लोग भी मिले, उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। कानपुर से कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी। वहीं इस बुलेटिन का अंत करते हुए मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ कि आप भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखने में मदद करें। तो हर 10 मिनट में अपने हाथ जरूर साफ करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसी के साथ अपने घरों में रहें और खुद को सुरक्षित रखें।